ले पता नहीं तू कहाँ जा रहा है, ये बता तूने हम लोगों से पंगा क्यों लिया है? अगर तुम लोग चाहते क्या हो हम सिंधियों से, तुम पठानकोट को बहुत ताकतवर समझते हो या जो है तुम लोगों ने सिंध को अपना बनाया है? जहाँ देखो आप लोगों की बदमाशी चल रहा है, फिर वजह क्या है क्यों तुम लोग हम लोगों से पंगे ले रहे हो? तुम लोगों ने हमारे जीना हराम कर दिया है। तुम लोग क्या चाहते हो हमारे सूबे में आकर, सिंध में आकर तुम लोग क्या चाहते हैं क्या हो? हम लोगों को बताइए ताकि हम आपको दे सके, फिर हमारा जान छूट जाए आप लोगों से। अरे सिंधियो, हम लोग जो भी कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप लोग है जो फसाद फैलाना चाह रहे हो। हम लोगों ने कभी आप लोगों को तंग नहीं किया है, आप लोग बदमाशी करते हो, हम लोग अपना कमाई के लिए यहाँ आते हैं और आप लोग हमसे बदमाशी करते हो, इसीलिए हम लोग आपको भी तंग करते हैं। अगर तुम लोग भी कुछ चाहते हो हमसे क्या चाहते हो ये बताओ, हम बताने में आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? बदमाशी भी आप लोग करते हो हमारे होटलों पर आकर, हम आपकी कितनी खिदमत करते हैं, होटलों में चाय बनाते हैं, आप लोग रोटी दिलाते हैं, फिर भी आप सिंधियों ने हम आप जीना हराम कर दिया है। आप लोगों ने हमारे होटलें बंद किए सिंध में, बाकी भी देखो आप सिंधियों का हाल, आप कोयटा में देखो, जहाँ भी देखोगे आप सिंधियों को पता लोग तंग कर रहा है। अगर तुम लोगों ने यह तथ्य क्यों फैलाया? तुम लोग भी बड़े बदमाश हो, तुम लोगों ने हमारे साथ बदमाशी किया है, इसीलिए हम लोगों ने आपको तंग किया है। तुम लोग अगर बदमाशी नहीं करोगे हम भी आपको सुकून से यहाँ रहने देंगे। अभी तुम लोग क्या चाहते हो? हमने आपको यही कहा कि अपने होटल बंद कर दो तो आप लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी। अरे सिंधियो, तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, जाओ सामने से दफा हो जाओ वरना मैं तुझे यही मार दूंगा। बस कर दो वरना मैं भी तुम्हें मार दूंगा। तुमने मुझसे क्यों लड़ाई शुरू की? मैंने तुमको कभी भी साथ नहीं दिया, तुमने ये क्यों किया? मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे भाई हो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम लोगों को क्या मसला हल नहीं हो रहा है मेरे भाइयों? देखो तुम सिंधी और तुम पठान आखिर में क्यों लड़ रहे हो? अगर किसी ने एक से कुछ कहा है या कुछ शुरू हो गए वैसे अफरा तफरी के भी, ये बताओ या तुम लोगों ने ये वही पठान सिंधी लड़ाई शुरू कर दिया? देखिए कभी ये मसले का हल नहीं है कि हम आपस में लड़े, हम बैठ कर आखिर अपना मसला हल करेंगे तो हम अपने जाए नुकसान नहीं करेंगे। आप देखिए जहाँ भी हम दोनों कबाइल तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो तो लोग देखेंगे सिंधी जो है पठान को मारेगा और पठान सिंधी को मारेगा, ये मसले का हल नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और एक दूसरे से मुफाक परस्त रहे, लोगों को धोखा ना दे, लोगों को ईजा ना दे। अगर आप दोनों की वजह से कोई और पठान या सिंधी एक दूसरे को मार देंगे तो इन सब के जुर्मदार आप होंगे। लिहाजा मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने हमारा आज का वीडियो देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और आगे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर आने वाला मोरल लेसन आप तक पहुंच जाए। बड़ा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।